नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक एज। मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिक एज में आज बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धोनी बहुत जल्द आईपीएल के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव धोनी के आईपीएल में खेलने को लेकर उत्साहित नहीं है। कपिल देव का मानना है कि आईपीएल नए खिलाड़ियों के लिए है। अगर धोनी T20 विश्व कप में खेलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ मैच और खेलने चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विश्व कप 2019 के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। विश्व कप के बाद से ही इस बात की लगातार चर्चा चल रही है कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने धोनी के क्रिकेट करियर पर कहा, आईपीएल में सिर्फ धोनी ही ऐसे खिलाड़ी नहीं होंगे जिन पर ध्यान रहेगा। मैं इस तरह का व्यक्ति हूं जो ये देखता है कि आईपीएल में वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो अगले 10 साल तक टीम इंडिया के लिए खेलेगा। मेरे हिसाब से देश के लिए धोनी पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं उनका फैन हूं और उन्हें T20 विश्व कप में खेलते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे लगता है कि ये सबको देखना चाहिए। धोनी करीब एक साल से नहीं खेल रहे हैं। टीम में बने रहने के लिए धोनी को और मैच खेलने चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिए। धोनी अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं खुद धोनी का फैन हूं और उन्हें आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन मेरी नज़र आईपीएल में अगली पीढ़ी पर होगी। धोनी भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हो, लेकिन अपने संन्यास को लेकर उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब आपको बताते हैं आईपीएल के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए धोनी क्या करने वाले हैं। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च से होने जा रही है और इसके लिए सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बाकी खिलाड़ियों के साथ 2 मार्च से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन के मुताबिक 2 मार्च से धोनी उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे, जबकि पूरी ट्रेनिंग 19 मार्च से शुरू होगी। सुरेश रैना और अंबाती रायडू यहां पिछले 3 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं। धोनी यहां 2 हफ्ते अभ्यास करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। इसके बाद धोनी फिर वापस आएंगे। क्रिकेट के मैदान से दूर धोनी अपनी निजी जिंदगी में काफी व्यस्त हैं और इस दौरान धोनी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हुए धोनी ने लिखा, रांची में 20 दिनों में खरबूजा और पपीता की ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है, इस बार काफी उत्साहित हूँ। इसके बाद धोनी की एक और वीडियो सामने आई जिसमें धोनी जिम में एक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और धोनी का यह नया वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। धोनी के इस वीडियो को देखकर आप उनकी फिटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं और कई युवा धोनी से प्रेरणा भी ले सकते हैं। वैसे आपने धोनी को बल्लेबाजी करते, विकेट कीपिंग करते या कभी कभी गेंदबाजी करते देखा तो जरूर है, लेकिन क्या आपने धोनी को पिच पर रोलर चलाते हुए कभी देखा है? दरअसल पिच पर रोलर चलाते हुए धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार को धोनी JSCA स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान धोनी एक नई भूमिका में दिखे। वीडियो में धोनी पिच पर रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची में धोनी को एक्सरसाइज करते हुए तो देखा गया है, लेकिन ये पहला मौका है जब धोनी का रोलर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पिछले 6 महीने से क्रिकेट से दूर रहने वाले धोनी के भविष्य को लेकर अब तक चर्चा चल रही है, लेकिन खास बात यह है धोनी बहुत जल्द क्रिकेट का वनवास खत्म करने वाले हैं। अंत में जाते जाते एक सोचने और समझने वाली बात, किसी भी झूठ का सच झूठी होता है। अगली बार फिर मिलेंगे क्रिकेट जगत की एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।